जन श्रद्धा के साथ पुण्य प्राप्त करने की कामना लेकर आते हैं। लेकिन माँ गंगा किनारे ही यदि कोई साधु के वेश में शराब के क्वार्टर बेचता हुआ मिल जाए तो आप सोचिए आने वाले श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं पर कैसा असर होगा। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। गौर से देखिए वीडियो को। यह वीडियो काफी वायरल होता जा रहा है जो सैकड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला आखिर ये है कौन? ये साधु के वेश में शराब का कारोबारी जो कि इस पावन धर्म नगरी हरिद्वार पर एक बदनुमा दाग साबित हो रहा है। यह साधु चोरी से नहीं बल्कि खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए वीडियो में स्पष्ट शराब बेचता हुआ नजर आ रहा है। क्या इस पार प्रशासन या गंगा सभा के जिम्मेदारों का ध्यान नहीं गया या फिर जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है? दारू लेके आया हरकी पौड़ी में, हरकी पौड़ी में दारू भैया फूट जाएगा बहन चो भैया सारा दारू निकाल इधर ला इधर ला यहाँ ला यहाँ ला निकाल खोल पन्नी पन्नी खोल ये देखो दारू बेचने के लिए हरकी पौड़ी में मारो मत मारो मत इधर लाओ बाबा को लाओ इधर बाबा की फोटो खींचो पूछा कहां से लेके ओए बाबा इधर चकना भी दिखाओ बाबा ये बाबा हर की पौड़ी में दारू लाके बिक्री के लिए देखो दूसरा जो फसा रहा है अकेले रखे है इतनी सारी दारू मारना नहीं है मारना नहीं है चौकी जाएगा ये चौकी दारू पी भी रहे हैं यहाँ पे लोग और भी बेच रहे हैं। अपडेट मीडिया के लिए हरिद्वार से रणवीर कुमार की रिपोर्ट।